हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप घर पे इजीली कैंडल विक बना सकते हैं। इसको मैंने सिंपल वाशल के साथ बनाया है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच डीआईवाईज। इसके लिए आप ऐसा पैराफिन वैक्स का यूज कर सकते हो या पुरानी कैंडल का यूज कर सकते हो आप। अभी एक कंटेनर लेना है जिसमें अभी आप इसको मेल्ट करना चाहे तो छोटे छोटे पीस में इसको कट करके लेना है। लेकिन आप ध्यान रखें, जिसमें आप मेल्ट करने जा रहे हो आप दोबारा उस बर्तन को मत यूज करिए। और इसको धीमी आंच पे मैंने रखा है, लो फ्लेम पे इसको मेल्ट कर देना है। विक के लिए मैं ये थ्रेड का यूज कर रही हूँ। ये थोड़ा मोटा रहता है और आपको कोई भी जहाँ स्टिचिंग के सामान मिलते हैं वहां आपको इजली मिल जाएगा। और एक बार मेल्ट होने के बाद वैक्स को आपको स्टोव को ऑफ करने के बाद डालना है। और एक ट्वीजर की हेल्प से उसको निकाल देना है। और आप निकालेंगे तो थोड़ा सा रुकने के बाद अगेन उसको आपको स्प्रेड करके रख देना है। ठंडा होने का वेट नहीं करना, नहीं तो वो एक ही में ऐसे चिपक जाएगा। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसको इस तरह से आप किस साइज में कितनी बड़ा रखना चाहते हो उसके हिसाब से आपको काट के लेना है। अभी ये नॉर्मल वॉशर लिया, मैंने किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा। मैंने विक होल्डर का यूज नहीं किया इसमें। ये आपको आसानी से कहीं भी मिल जाए, बहुत सारे लोग को मिलता नहीं है, ये आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। पीछे से ऐसे नॉट बांध देनी है उसको और जो एक्स्ट्रा धागा रहेगा उसको काट देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।